तो दगड़ियों, बीच में 5-6 घंटे बिताने के बाद बहुत थकान हो गई है। अब हम आ रखे हैं दोस्तों मसाज करवाने के लिए। जी हाँ, टर्किश स्नान हम करेंगे, जिसे हमाम बोलते हैं, टर्किश हमाम। या मैं नाण धेण मालिश वालिश सब हूँ दगड़ियों। रंजना गई है दूसरे कमरे में, उनका लेडीज मसाज सेक्शन अलग है, लॉन्डो का अलग है। आज हम लेंगे पहली बार टर्किश हमाम। तो हमाम में सब नंगे होने जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ दोस्तों। एक तो दिक्कत ये होता है कि हम कराम इंग्लिश में हो, तो मैंने इससे बोला कि कपड़े कितने उतारे, तो वहाँ पूरा नांगना था, बस ये तौली रोल खरीद ले। तो ये तौलिया हमको दे रखा है, इसको लपेटना है और उसके बाद देखते हैं। मतलब डर लगना यार, अच्छा ना के भरोसे की वो घोर का जो कह रहा। तो दोस्तों एक ये हॉल में आ रखा हूँ मैं, वहाँ पर यहाँ तो गर्म है रहने, तो 5 मिनट तक यहाँ सोना है। पवन पहाड़ी, यस, फ्रॉम इंडिया, यस, या सो आई एम मेकिंग ब्लॉग, मसाज ब्लॉग फॉर माई सेल्फ। 5 मिनट तक इसके अंदर रहना है और ये बहुत ही गर्म है दोस्तों। इससे पहले मैंने पिक्चर में ही देखा था, एक बार शायद किसी मूवी में देखा था, जिसमें वो हमाम में ऐसे हो, भाई पसीना आने लग गया, एक अलग ही फील है गाइस। ये देखो ऊपर ऐसी मीनार है, ये आप देख सकते हैं। 5 मिनट तक हमें यहाँ रहना है, बहुत गर्म है दगड़ियों, मतलब सुधा अवसान का होना, जैसे नहीं होता छड़ी गर्मी पड़ती है उसमें कैसा अवसान आता है, उसका x10 है। दादी 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 दोस्तों आपको पता है इस कमरे का टेम्परेचर कितना है? एक वो लगा रखा है यहाँ पे पारा, जो थर्मामीटर होता है वो ऊपर अप डाउन कर रहा है। खल्लू चेड़ करने वाला गर्म हो रखा है इस कमरे में। ये आप देखिए, पसीना देख रहे हो आप मुझे, ये देखिए। ओ भाई अब मैं जा रहा हूँ सोना बाथ लेने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे नरक से बाहर आ गया। इसके अंदर मेरे को जाने का। ओ भाई ये तो और भी गर्म है। ओ भाई ये तो उससे भी ज़्यादा गर्म है, यहाँ तो मैं 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। इस कमरे में अनाटोप हो रखा है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं एक अंधेरा कमरा है और इसका टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है। यहाँ गंगवार दे रखी दगड़ जो गर्म कर फिर ओजा घर में सिम लागण है ने, हे भगवान। ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करने के लिए ले रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई पूछे कि तुमने हमाम लिया है, सोना बात किया है, तो मैं बोल सकूँ हाँ, वो भी टर्की में। मेरे को एक्सपीरियंस में पैसा खर्च करने में अच्छा लगता है। 5 मिनट के बाद मेरी हालत देखिए आप, शरीर में ये आप देखिए, ये आप देखिए गाइस, देख रहे हो आप, ये देखो ये स्टीम बाथ का नज़ारा है दोस्तों। पूरे कमरे में भाप ही भाप भरी हुई है और ये देखिए आप। आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इंसान आग से उतना ज्यादा नहीं जलता जितना भाप से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे क्या होता है गुप्त ऊष्मा, जिसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक जगह पे आके स्थिर रह जाता है, लेकिन उसका ऊर्जा बढ़ जाती है और वो ऊर्जा भाप में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान भाप से ज्यादा जलता है आग से नहीं। स्टीम बाथ यहाँ पे हो रहा है, ये तो मतलब जैसे नहीं होता वीडियो कम में एक लेवल के बाद दूसरा लेवल और हाई हो जाता है, सेम ऐसी है। तीनों जगह आग की भट्टी में ही घुसा रहे हैं, लेकिन लपट इसमें सबसे ज्यादा है दोस्तों। अब ये स्टीम बाथ चल रहा है जिसमें से ऐसे पूरा धुआं धुआं इस कमरे में है, मतलब भाप स्नान हो रहा है दगड़ियों। ये तो या वेयर आर यू फ्रॉम? ओमान। अंटालिया। ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान या आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान। तो 5 मिनट तक यहाँ पे रुकना है गाइस। ओह वेरी हॉट, ये आप देख सकते हैं ऐसे मालिश होती है लगा लियो आप देख सकते हैं। नंद इज नौ थी और जवानी में ये कंप्यूटर उनका ना होगा, देखो देखो। ये तो जॉनी सिंह की याद दिला दे रहा है, ये देख मेरा डर लग रहा है।
दोस्तों आज मुझे पता चल गया कि ये कहावत क्यों चली कि हमाम में सब नंगे। आज मुझे वो कहावत साक्षात अपने सामने दिखाई दे रही क्योंकि हमाम में नहलाने वाला भी और नहाने वाला भी सब नंगे होते हैं। सच में लीव नहीं होता तो खुद हमाम ट्राई करना एक बार। तुर्की शमाम। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मसाज मैन है, टर्किश मसाज। प्राइवेट पार्ट नॉट हिट। व्हाट्स योर नेम? पवन पहाड़ी। हनी पवन। पवन पवन, यस। एंड व्हाट्स योर नेम? ओमान। ओमान, ओके। माशाल्लाह, ये देखो दगड़ी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये दिखाओ, ऐसी बाल मेरे मौसा जी के आंग में भी है। अब तुम करा पाओगे? जस का आदमी है, मसाज नहीं करवा पाओगे। देखो कितना भयंकर आदमी है ये, देखो। तुम्हें पता है दोस्तों, टर्की में जिस टर्की से आदमी का पेट बाहर निकला होता है ना, उसे अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं यहाँ पे। I'm from Turkey, I'm not married. ये कह रहा है कि मैं टर्की से हूँ, मेरी ब्याह नहीं हो रखा है। इससे शादी करेगा भी कौन? ब्योली उसी का डर जाल दगड़ी। देखो दे पता थोड़ा हाथ है, देखो दे। तो गाइज हमाम तो ले लिया है, अब मसाज की बारी है। नहा धो के उसके बाद लास्ट में ठंडे पानी से नहलाया ना इन्होंने, मज़ा ही आ गया। भगवा गमछा सर पे डाल के अब हम मसाज के लिए रेडी हैं गाइज। ये है भाई, इन्होंने हमको तालांग और मलांग तौलिया उड़ा दिया है। ऊपर ये भी तौलिया है जो आपको भगवा कलर का दिख रहा है। अब मैं मसाज करवाने के लिए आ गया हूँ, तो मसाज करने के लिए देखो ऐसे केबिन बने हुए हैं और हल्का हल्का संगीत भी इन्होंने चला रखा है ताकि माहौल बन पाए मसाज का। मज़ा आ गया यार, ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए दोस्तों, चाहे आपको कहीं भी मिले ले लेना एक बार। ये जो मसाज कर रहे हैं ना, अंग प्रत्यंग मतलब हिला के रख दे रहे हैं, उर्जे पुर्जे खोल के अच्छे से मरम्मत कर दे रहे हैं। मतलब शरीर का ऐसा लग रहा था ना, हाँ यही तो ज़रूरत थी जो हम मिस कर रहे हैं। सच में मतलब 2-3 महीने में अगर एक मसाज ऐसी मिल जाए ना हमाम के साथ, पूरी बॉडी की मेंटेनेंस हो जाए। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, ऐसी बॉडी की मेंटेनेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हो रही है। मज़ा आ रहा है यार। सो फाइनली गाइज, मसाज कंप्लीट हो चुकी है और हमसे बोला गया है कि 3 घंटे बाद आप नहा सकते हो। मेरा आंग लाल हो गया है, ऐसी मसाज कर रखी है, देख रहे हो आप। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप टर्की कभी घूमने के लिए आए तो टर्की हमाम ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। ऐसा तो नहीं है कि यार हमारे पास इतना पैसा है कि हम रोज़ करवाएँ या हर महीने करवाएँ।
अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए करवाओ। ये एक्सपीरियंसेस लाइफ टाइम मरने तक आपके साथ रहते हैं। लोग डेली का 1000-1200 रुपया ये अंडा मुर्गा दारू कच्ची पक्की इसमें उड़ा देते हैं दोस्तों। क्या मिलता है उससे? हेल्थ ख़राब होती है, ठीक है, घर में टेंशन होती है, ईजा बाबू को टेंशन होती है, आपकी बदनामी होती है। यही 1000-1200 रुपया अगर आप बचाएंगे, इसकी RD कर दोगे तो एक पूंजी बन जाएगी एक साल के अंदर, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हो जाएंगे। उससे आप कहीं अच्छे से ट्रिप पे जा सकते हैं, पर्सनल ट्रिप पे जा सकते हैं, मम्मी पापा के साथ छोटे मोटे ट्रिप कर सकते हैं। और उससे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको दारू पी के लड़ाई झगड़ा करने में, गाली बकने में नहीं मिलेगी, गारंटेड है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी आप कमाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पॉकेट मनी भी मिलती होगी, थोड़ा सा हिस्सा उसका ना ट्रैवल के लिए भी बचा के रखें, एक्सपीरियंसेस के लिए बचा के रखें। पीना खाना कम करें, ठीक है, फालतू की चीज़ों पे खर्चा कम करें, ठीक है, और जो शेविंग आपकी रहती है उससे आप ऐसे घूमें फिरें, क्योंकि घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। देख रहे हो लौंडे की पर्सनैलिटी। कम से कम 1.5 घंटे हमको इसमें लग जाते हैं दोस्तों, 1 घंटा 35 मिनट के लगभग ये पूरा कार्यक्रम चलता है। तो ठीक है, हमें जो ये मसाज पड़ी दोस्तों 700 लीरा पर पर्सन, मतलब ये समझ लो कि इंडिया के हिसाब से 2800 रुपया। तो ठीक है, 1.5 घंटे के लिए 1.5 घंटे की मसाज, उसमें नहाना धोना सब कुछ था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी की जो गतिविधि हम करेंगे, अब हम सीधे होटल रूम में जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मज़ा आ गया है। कैसा लगा? तुम्हारे वहाँ शैणियों कर रहे होंगे ना? तुम्हारे कौन कर रहा था? हमारे वहाँ तो भाई, मैं तो पहलवान के हत्ते चढ़ गया आज। अरे गजब, हड्डियाँ तोड़ दी भाई उसने। तुम्हारे वहाँ लड़की ने करी? अच्छा, कैसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस, कैसा था? पहले क्या किया? पहले तो ले गए, हाँ, वो गरम पानी वाले उसमें, हाँ, आम बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसमें ले गए वो गरम पानी। मतलब तुम्हें लेटा दिया होगा वो? पहले गरम पानी डाला, हाँ, और फिर वो टॉवल लगाया, हाँ, नीचे, हाँ, वो मार्बल जो गरम, हाँ, मार्बल मैंने तुम्हें बताया, हाँ हाँ हाँ, गरम मार्बल किया उस पे लेटाया, हाँ, उसके बाद जो शरीर की जितनी गंदगी थी ना, हाँ, सब निकल गई, निकल गई, हाँ, है ना, मतलब, हाँ, काफी देर तक ऐसा गंदा गंदा पसीना निकला। बासिलन नरुड़ है, फिर बासिलन नरुड़ तो नहीं हुआ, हाँ, तुम्हारे से तो सुगंधित वाला निकलता है, हाँ, फिर उसके बाद शोनाबाद मिला होगा, शोनाबाद जिसमें वो लकड़ी के कमरे में बैठाया था, हाँ, वो उसमें कोयले थे क्या, वो क्या था, वो पत्थर के कोयले थे ना, भट्टी बना रखी, भट्टी, हाँ, तो वो गर्मी आई उसकी, हाँ, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद जो अगला आया ना, हाँ, उसमें आ गया मजा मुझे तो सबसे ज्यादा भाई, उस टीम बात जो था, हर इंसान को ना, मतलब हर 6 महीने में तो एक बार करना ही चाहिए। और तुम्हारा रूफ निखर के आ रहा है, पता है, मतलब इंटरनल ग्लो आ जाता है, सही बात है। उसके बाद क्या हुआ कि इधर आओ, पहले बता, पहले बता दो, उसके बाद क्या वो अंदर ले गए, उसके बाद जैसे मम्मी नहलाती थी ना बचपन में रगड़ रगड़ के, मेरे को तो मम्मी की याद आ गई, भाई ले स्क्रब से ये रगड़ा 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 सर ऐसा धो दिया ना उसने, सर ये मतलब अंदर बॉल वॉल पूरे जो समुद्र का वो सॉल्टी वो था ना वाटर सब, मतलब अंदर ऐसा धो दिया, मजा आ गया। उसके बाद फिर हम बैठे, फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके फेस मास्क लगाना है क्या, उसका 100 लीरा अलग से था। उसमें क्या होता है? क्ले मास्क लगाते हैं, तो मैंने लगाया होगा ना, हमसे पूछा ही नहीं, लड़कियों का होता है ना मास्क, लड़कों पे भी असर नहीं आता उसका, हाँ, तो मैंने उसे मना कर दिया, ठीक है, मैंने कहा क्ले मास्क तो मैं बतरे लगाती हूँ, मैंने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें पिलाई टर्किश चाय, हाँ, मजे हो गए भाई को, क्या बात है, लड़की फुल मजे लेके आई, मैंने एप्पल चाय पी, पता नहीं वो शायद एप्पल चाय हो, मुझसे एप्पल चाय बोला, पता नहीं क्या था, लेकिन वो बहुत ही मतलब टेस्ट इतनी थी ना उसके, वो फिर उसके बाद आया असली मजा मसाज में। जब मसाज हुई ना, मैं उसका नाम भूल गई यार, महल मेरा तो ओमान था, लड़की का नाम मिला था, मिला था उसका नाम, हाँ, उसने तो जबरदस्त मसाज करी ना, मजा आ गया, एक एक मतलब ऐसे 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 करके दबा, स्ट्रेस फ्री होने के लिए मजा आ गया, मतलब मेरे जैसे लोगों को तो खासकर जरूरत है इसकी। अब हमें यहाँ से जाना है, चलो। तो दोस्तों लड़की भी बिल्कुल फुल मज़े लेके आई है, खुश होगी रंजना। तो इसका भी हमाम एक्सपीरियंस, मसाज एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो हम दिए शैन बैगनल दगड़ियो, मसाज कराया यहाँ हमाम में, नहाया। तो आप भी जब ऐसी हनीमून ट्रिप पे आएँ तो टर्किश हमाम ज़रूर लेके जाएँ, बेस्ट था, लेना ही चाहिए दोस्तों। ये हमारा तो बढ़िया था, और हम यहीं है होटल अपना, ठीक है, पैदल पैदल जा सकते हैं, कितने किलोमीटर दिखा रहा है यार, 400 मीटर की दूरी पे, चलो पैदल चलते हैं।
तो गाइस शाम के 8 बज रहे हैं, हमने थोड़ा कमरे में आके रेस्ट किया। अब हम जा रहे हैं दोस्तों डिनर करने के लिए। आज रंजना ने हैप्पी काव वाले ऐप से थोड़ा ढंग का रेस्टोरेंट ढूंढा है, वहाँ पे मुझे खाने को भात मिल जाएगा। कोरियन रेस्टोरेंट। हाँ, मैं दो दिन से दोस्तों राजमा चावल और अरहर की दाल खा रहा हूँ। अरहर की दाल खाए हैं वो, अरहर की दाल जो भी है। हाँ, अरहर की दाल का सूप, जिसको टर्की सूप बता के खिला रहे। होप आज के रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा मिल जाए। होने को वो कोरियन रेस्टोरेंट है, पर वो वेज रेस्टोरेंट है दगड़ियों, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा खिला खिला ना फरफरान भात मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस यार अपने देश का खाना बहुत याद आ रहा है। गाइज अंटालिया में गर्मी तो बहुत है, लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे तापमान होगा, पर एक अच्छी बात है ह्यूमिडिटी नहीं है, जिस वजह से हमें वो भपका टाइप का पसीना नहीं आ रहा है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ के लोग इंडिया नाम से भारत देश को कम जानते हैं। इंडिया बोलोगे ना, जैसे बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, अगर हम इंडिया बोलेंगे तो उतने लोग नहीं समझ रहे हैं, पर अगर आप हिंदुस्तान बोलोगे ना तो लोग जान रहे हैं, और हिंदुस्तान को ये लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि जो तुर्क हिस्ट्री है उनको यहाँ हिंदुस्तान पढ़ाया जाता हो, क्योंकि एक तुर्क शासक था तैमूर लंग, वो इंडिया में आया था आक्रमण करने के लिए, शायद उसका जिक्र इनकी हिस्ट्री में भी होता हो, इस वजह से ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के नाम से जानते हो सकता है। तैमूर लंगा बैरमणि तुम्हें पढ़ी राखो नल दगड़ियो इतिहास में, एक तैमूर अछान ले जन्मी रहो करीना कपूर चल। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है दोस्तों, यहाँ की रोडों में गड्ढे नहीं है, गाय बैल सांड मैंने आवारा घूमते हुए नहीं देखा, सब इनके पेट में ही घूम रहे होंगे मुझे लग रहा है। ये क्या, ये देखो ये भांग का पेड़ है शायद यार, ये टर्किश भांग देखो दोस्तों, भांग है क्या ये? ना ना भांग नहीं है, ये कुछ और है, निंगालू टाइप का है। ओके निंगालू है ये, टर्किश निंगालू आप देख सकते हैं दोस्तों, ये निंगालू बोर्ड थी। टर्की के हिसाब से 8:30 बजे हुए हैं रात के, और देखो अभी अंधेरा नहीं हुआ है, हल्का हल्का मतलब सांस पड़ रही है इनके वहाँ। तो दोस्तों आज जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं वो एक कोरियन रेस्टोरेंट है, मतलब किम जोंग उनके बिरादरों का रेस्टोरेंट है दगड़ियों। तो दोस्तों 15 मिनट लगे हैं समझाने में कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, 10 बार कन्फर्म करना पड़ा। जैसे सूप भी मंगा रहे हो आप ना, तो 4 बार बोला मैंने नो बीफ नो मीट।